प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आँचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूलों फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, आसरा उम्र भर बस तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। मदर, माँ, अम्मी या अम्मा, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। जरा सोचिए, अगर माँ ना होती तो क्या होता? माँ बिना दिन तो होता, पर उस दिन में शायद उजाला ना होता। बरसात में बारिश तो होती, लेकिन वो बारिश किसी को ना भिगोती। रात तो आती, लेकिन उन रातों में चांद और तारों की रोशनी और टिमटिमाहट ना होती। माँ हमारी जिंदगी में सांसों की तरह है, दिल में धड़कन की तरह है, और जिस्म के बिना देखे दिन का सूरज नहीं निकलता, वो है माँ। सच में सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये कुछ और नहीं, मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। 24 घंटे बिना थके जो काम करती है, वो है माँ, जिसकी जिंदगी में कभी कोई संडे नहीं होता। दुनिया की सबसे टफ नौकरी करती है माँ, वो भी बिना किसी सैलरी के। कोई है उसके मुकाबले? जी बिल्कुल नहीं। सबको खिलाने के बाद वो खुद खाती है, जब कुछ नहीं बचता तो कभी भूखे भी सो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ वो है जो वक्त पड़ने पर पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाती है, और बदले में कभी किसी से कुछ नहीं चाहती, तो गलत नहीं होगा। मदर डे के दिन मैं आज आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि अपनी माँ को इतना प्यार दें कि उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, क्योंकि हम सब लोगों की माँ ने हमारे लिए इतना इतना कुछ किया है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम उसका 1% भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रख सकते हैं कि बचपन में उन्हें हमारी उंगलियां थामी थी, बचपन में उन्होंने हमारी उंगलियां थामी थी और हमें कभी तकलीफ ना होने दी। उसी तरह बुढ़ापे में भी हमें उनका सहारा बनना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में माँ होती है उस घर में बच्चों की हमेशा हमेशा हिफाजत होती रहती है। सिर्फ माँ के रहने भर से मुश्किलें बच्चों से कोसों दूर रहती हैं। कई बार जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, तब हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे खुदा ने हमें कई नेमतें और तोहफे
दिए हैं, जिसे जिसका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे अगर आँखों का इम्पॉर्टेंस समझना हो तो हम उस शख्स से पूछें जिसके पास आँखें ना हो, वो समझ सकता है कि आँखें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। शायद जिसके हाथ और पैर ना काम करते हों उससे पूछिए कि क्या होता है आँखों का, हाथों का और पैरों का इम्पॉर्टेंस। क्योंकि कभी कभी हमें ये लगता है जो चीज़ें हमारे पास हैं वो काफ़ी नहीं हैं, बल्कि वो बहुत हैं, बहुत है। जी हाँ, काफ़ी नहीं, बहुत है। और हमें हर घड़ी हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन तमाम तोहफे और नियमतों में सबसे ऊपर और आला और सबसे अफजल है माँ, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं धरती पे माता पिता का जो रूप है उसे हम भगवान समझते हैं। इसलिए कहा गया है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। अगर माँ को प्यार भरी निगाहों से देख लें तो आप हज करने इतना सवाब है। कल मदर्स डे है। जी हाँ, मदर्स डे, जैसा कि आप जानते हैं कि मई मंथ का जो सेकेंड संडे आता है उस दिन को हम मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी माँ का दिन। तो माँ के दिन को कैसे स्पेशल बनाया जाए, ये हम सब की ड्यूटी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्यों नहीं। तो कल सुबह सबसे पहले आप उठें, कोशिश करें कि माँ के उठने से पहले ही उठ जाएं और पापा के साथ मिलके उनको विश करें, और उसके बाद उन्हें एहसास कराएं यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ दिस वर्ल्ड, और उनसे कहें आज आप क्वीन की तरह आराम करेंगी, आज आप क्वीन की तरह आराम करेंगी और हम सब पापा के साथ मिलके आपके डे को स्पेशल बनाएंगे माय डियर मॉम। ओके जी, चलते चलते आज के दिन मैं आपको इस कविता के साथ छोड़े जाता हूँ। तो आप सभी लोग माँ का ख्याल रखिए। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। जी हाँ, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, टेक केयर। माँ के होने से ही सब खुशी होती है, माँ के होने से ही सब खुशी होती है। मैंने देखा है एक ऐसा आईना जो कभी किसी की सूरत को बूढ़ा नहीं होने देता। जी हाँ, वो है माँ की आँखें। माँ की आँखों में हर वो शख्स हमेशा बच्चा दिखता है और कभी बूढ़ा नहीं नज़र आता। बचपन से लेकर जवानी तक जिसने हमें संभाला, ऐसी सूरत को बिना देखे जिंदगी में रोशनी नहीं होती है। सच कहता हूँ मैं माँ, तेरी सूरत से अच्छी कोई सूरत नहीं होती है। जिनकी माँ नहीं होती है उनसे पूछो ए मेरे दोस्त, जिनकी माँ नहीं होती है उनसे पूछो ए मेरे दोस्त, उनके दामन में मानो कोई खुशियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि माँ की सूरत से हंसी कोई सूरत नहीं होती है। सो टेक केयर एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आई लव यू मॉम, आई लव यू।